जी मिराज जी, हमें आप ये बताइए कि डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा जो है आपके खिलाफ बहुत ज्यादा चल रही है। उनका ये कहना है कि आपका एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है डोडा के अंदर जो वो करवाने नहीं देंगे। उन्होंने ये ऐलान किया है, वहाँ पे कुछ औरतें हैं जिन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पे प्रोग्राम होगा तो हम करवाने नहीं देंगे। ये कौन सी ताकतें हैं? अगली बार अगर इस सुभाष पार्क में उन्होंने कोई रैली रखी तो उसी रैली के दौरान उनको चप्पलें और जूतों से पिटाई खानी पड़ेगी और भगा दिया जाएगा। यहाँ देखिए, बीजेपी को लगता था कि कुछ वोट काटे जाएंगे और बांटे जाएंगे और उनका मफाद होगा, लेकिन आपको याद होगा कि दिल्ली में जब हम नए नए थे तो कांग्रेस भी कह रही थी अभी नए लोग हैं, अभी ये ख्वाब देख रहे हैं। तो अब उन्हें जो दिल्ली में देखा, उसके बाद पंजाब में देखा, अब वो ख्वाबों से बेदार हो चुके हैं। अब वो जानते हैं जहाँ आम आदमी घुस गया तो इनकलाब आना तय है। तो वही बात है, ये बात किश्तवाड़ की है। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करता हूँ। हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था किश्तवाड़ के अंदर, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने एक बार बात कही थी बड़ी आवाम के सामने, पूरी दुनिया वहाँ बैठी हुई थी उस डिस्ट्रिक्ट की। तो उन्होंने एक बात बोली थी जो सबसे बड़ा मसला किश्तवाड़ का था, वो पानी का था। लेकिन उन्होंने कहा कि इतना पानी हम लाएंगे कि कुछ लोग उसके में बह जाएंगे, लेकिन लोगों को जो है पानी आज तक उनके घरों में वो नल नहीं चला, जिस नल की बात और जिस पानी की बात प्रधानमंत्री जी ने खुद जो है वहाँ उस किश्तवाड़ की सरजमीन पे की थी। एक ही दौरा था, उस दौरे में एक ही बात हुई थी, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो हमने वहाँ पे सवाल उठाए थे कि अगर प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था, वो 7 या 8 साल में पूरा नहीं हुआ, तो बीजेपी फिर किस काम की, जो एक बहुत बड़ा मसला किश्तवाड़ के लोगों का था। तो बौखलाहट में आ गए हैं, वो जानते हैं कि आम आदमी जो है देश का जाग रहा है, वो देश का मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहता है, बस लड़ाइयों झगड़ों में इसको छोड़कर जो है इंसानियत की बात कर रहा है और डेवलपमेंट की बात कर रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि डेवलपमेंट की बात सियासत के अंदर हो, वो चाहते हैं कि दंगे फसादात की बात हो। जिस तरीके से माहौल आप देख रहे हैं देश के अंदर, लोगों को बांटना चाहते हैं और खुद सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हम 22 मई को किश्तवाड़ के अंदर जा रहे हैं, परचम सैलाब होगा, उसे रोकने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। डेवलपमेंट होकर रहेगी, देश बदलता हुआ आपको दिखेगा। अगर वो कांग्रेस मुक्त का नारा लगा सकते हैं देश के अंदर, तो पूरा जो है ये सारा निज़ाम, करप्ट निज़ाम जो है उसको भी आम आदमी अब साफ करने वाला है। ये आपको आने वाले कल में भी देखेंगे, पंजाब देख रहा है, दिल्ली देख रहा है, और दिल्ली के साथ साथ और इन राज्यों के साथ साथ पूरा देश बदलना। वो कौन सी महिलाएं हैं जो आपको धमकी दे रही थी शरेआम कि आपकी बाजुएं काट देंगे, गोली मार, उंगली नहीं उठाई कभी? अच्छा जब भी उनका मुंह, ये क्या उनके बाप का इधर किश्तवाड़, ये कश्मीर नहीं है, ये किश्तवाड़ है। उनको बता देना, ये अगर दोबारा इस धरती पर आएगा ना, अपनी बात रखेगा, हमारे भाइयों के ऊपर अगर उसे उंगली उठाई, उंगली क्या उसका हाथ हम पीछे से काट देंगे। ये एक भारत की नारी बोल रही है, किश्तवाड़ की एक बेटी बोल रही है, उसको बता देना शाम से मेरा खून जल रहा है, मैंने शाम से खाना नहीं खाया है। उसकी हिम्मत कहाँ हुई? उसने ऐसे ऐसे बोला, मेरे सामने होता ना गोली से मार देती मैं उसको, मैं मारूंगी उसको। देंगे वो तो मेरे माँ के सम्मान है, शायद उसे भी अगर बेटा होगा या मैं भी हो भी सकता है, तो उन्हें भी ये बात का एहसास होना चाहिए। हमने सवाल खड़े किए, हमने किसी को वहाँ धमकाया नहीं है, हमने उन लोगों से सवाल किए जो सत्ता में तब भी थे और अब भी हैं। क्योंकि अगर आज बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम 50 सीटें लेंगे तो यहाँ पानी मुफ्त देंगे, यहाँ बिजली मुफ्त देंगे, यहाँ केबल एवरेस्ट को परमानेंट करेंगे, एक धोखा बेचा जा रहा है, एक ऐसी आइटम को बेच रहे हैं जिसके अंदर आप देखेंगे एक बैटरी पावर बैंक जो है दिल्ली के अंदर कुछ लोग बेचते हैं, उसके अंदर जो है या तो च्युइंगम होता है या तो आटा गूंद के होता है, और एक मॉडल बाहर से जो है पूरा का पूरा वो सारा दिखाया होता है, वही चीज़ ये लोग बेचना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त भी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर है, इस बात से किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। 50 सीटें लेने की इनको क्या ज़रूरत है? यूटी है, यूटी में बीजेपी का राज है, मोदी जी इस वक्त पावर में है, हमारे यहाँ बीजेपी के लोगों के कहने पर ही सारा धंधा हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो परमानेंट करने में देरी क्यों? वो ये ना कहें कि हम देंगे, कहेंगे हम, आम आदमी कहेगा कि हम ये देंगे, क्योंकि हमने अभी चुनाव लड़ना है, सत्ता में आना है, वो लोग तो ऑलरेडी सत्ता में, वो ये कहें कि हम दे रहे हैं, आज से दे रहे हैं या कल से दे रहे हैं।
कैजुअल लेबरर को आज परमानेंट कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। देखिए ये चीजें नहीं होंगी, लोगों को जो है धोखे में नहीं रखा जाएगा। हम आम आदमी को उसकी औकात बता रहे हैं और उसका हक बता रहे हैं, और ये कैंपेन पूरे देश में चलेगा। भाजपा भी रुकेगी, वो लोग भी रुकेंगे जो लोगों के हकूक जो है छीन रहे हैं। क्या समझते हैं अफसरशाही जो है वो कितनी हावी है? क्योंकि पीछे मैंने आपका एक वीडियो देखा था, वहाँ पे कोई तहसीलदार साहब थे, पता नहीं वो अपने ऑफिस में नहीं आए थे। अफसरशाही तो है, इसमें शक नहीं है। जिस तरीके से जो है पाकिस्तान को कंट्रोल आर्मी कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, इस वक्त जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जो है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रही है। हालांकि प्रोटोकॉल में जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर माना नहीं जाता है। बहुत सारे यहाँ मतलब रेस्पेक्टेड जो चुने गए हैं, चाहे वो DDC की शक्ल में हो, कौंसल की शक्ल में हो, उनकी सुनवाई तो होती नहीं। अपने लेवल पे ये लोग काम करते हैं, अपनी मर्जी से दफ्तर खोलते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। देखिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो आए हैं वो नए हैं, और जो पुराने जिनको जानकारी थी वो इस वक्त खामोश है। वो भी चाहते हैं, जो पुराने चाहे वो भाजपा के लोग हों, NC के लोग हों, वो DDC को वो पावर को लगते हुए देखना नहीं चाहते हैं। अगर DDC अपनी पावर लगाकर लोगों के काम करना शुरू कर दिया तो उनके घरों पे जो है ताले लग जाएंगे, वो उनके घरों के दरवाजे बंद हो जाएंगे, उनके घर में जो है चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। वो भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आवाम के काम करें। बस बौखलाहट का शिकार है, काम जम्मू कश्मीर में होना नहीं है। 3 साल से तो LG शासन लगा हुआ है, बताइए ना इन्होंने कौन सा काम करा है। कैजुअल लेबर को परमानेंट कर सकते हैं, मनोज सिन्हा जी मुझे बताइए, उनको पूछ लीजिए, भाजपा के उन लोगों को पूछ लीजिए, मेरा सवाल उन लोगों तक पहुंचा दीजिए। आवाम की बात कर रहा हूं कि उनके रोड़े में, LG मनोज सिन्हा के रोड़े में और मोदी जी के शासन में, यह रोड़े में कौन आ रहा है जो परमानेंट होने से उन्हें रोक रहा है? करे ना बिल पास, मनोज सिन्हा जी करवा देना। डोडा से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी खुद वहां के ही हैं, तो कितनी डेवलपमेंट जो है भाजपा की तरफ से वहां पे हुई है, और आने वाले दिनों में आप किस तरह से जो है वहां पे देखते हैं? जब घर के अंदर शादी का माहौल होगा तो किस इलाके में किसकी मौत होती है वो माने नहीं रहते हैं। उस वक्त उसी बात पर ध्यान दिया जाता है कि शादी हो रही है तो शादी में जाना जरूरी समझते हैं हम लोग। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसी तरीके से भाजपा की पॉलिसी में डेवलपमेंट नारा ही नहीं है। डेवलपमेंट उनके जहन क्या, उनके नस में, उनके खून के कतरे में है ही नहीं, तो डेवलपमेंट की उम्मीद आप कहां से रख रहे हो? उनका जो मैंने कहा ना, एक शादी एक तरफ, एक जगह शादी है तो शादी का जो दूल्हा है उसकी यहाँ कोई मौत हो जाए, आपको क्या लगता है वो शादी छोड़कर पहले उस वहाँ मातम में जाएगा? वो दूल्हा तो अपने काम को करेगा। वही बात BJP की है, इनकी आइडियोलॉजी डेवलपमेंट से हटकर है। ये वही लोग हैं जो वहाँ उस चीज को नहीं देखना चाहते, इनके तो यहाँ इस जमीर में है ही नहीं डेवलपमेंट, तो इनसे आप उम्मीद मत लगा लीजिए। आप मेरे डोडा की बात क्यों कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर जो आम आदमी पार्टी में जुड़ रहा है, ये पागल तो नहीं है? आने वाले दिनों में किस तरह से आप देखते हैं आप जम्मू कश्मीर? देखिए आने वाले दिनों में जिस तरीके से दिल्ली बदली है, 70 साल में जो कांग्रेस ने दिल्ली को बेहतर नहीं बनाया था, वो केजरीवाल जी ने मॉडल तैयार किया। 5 साल के अंदर ऐसा मॉडल तैयार किया कि दुनिया भी फख्र समझती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में जो पंजाब का मॉडल बनेगा वो देश के लिए होगा, और पूरे देश में आम आदमी की सरकार होगी, आम आदमी को अपने हक के बारे में और उसको जीने का हक मिलेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में हर एक आदमी को जो है अपनी सोच बदलेगी।